एप्पल बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाला है आईफोन एसी 4। अब ये सिर्फ रूमर्स है, कब रिलीज करेगा कुछ पता नहीं। बट अगर हम आईफोन एसी की हिस्ट्री चेक करें तो आईफोन एसी 1 2016 में लॉन्च हुआ था मार्च के मंथ में, और आईफोन एसी 2 लॉन्च हुआ था 2020 के मार्च के मंथ में, और फाइनल आईफोन एसी 3 लॉन्च हुआ था 2022 के मार्च के मंथ में। आईफोन एसी 1 और आईफोन एसी 2 के बीच 4 साल का गैप रहा था, और आईफोन एसी 2 और आईफोन एसी 3 के बीच सिर्फ 2 साल का गैप रहा था। यहाँ पर भी हमें सेम केस देखने मिलेगा इस बार भी। या तो एप्पल 2024 में आईफोन एसी 4 लॉन्च करेगा, या फिर इसी साल लॉन्च कर देगा। और अगर लॉन्च करेगा तो क्या नया देखने मिलेगा हमें इस बार। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पे कि आईफोन एसी 4 कैसा होने वाला है। यही कि आईफोन एसी 4 में नॉच डिजाइन होगा विद फेस आईडी, या सिर्फ नॉच होगा विद टच आईडी। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक 45,000 के बजट में एप्पल नॉच डिजाइन देने वाला है? अगर देता भी है तो ये एक अच्छी बात है एप्पल के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। लेकिन एप्पल वही करेगा जो बाकी आईफोन एसी सीरीज के साथ करता आया है। आईफोन एसी 3 की बॉडी में आईफोन 14 या 14 प्रो का चिपसेट देकर लॉन्च करेगा, यानी आईफोन एसी में A16 बायोनिक चिप और 4GB का रैम देखने मिल सकता है। अगर एप्पल एक न्यू डिजाइन देने वाला है आईफोन एसी 4 में, तो आईफोन 11, 12, 13 की जगह सीधा आईफोन 13 मिनी की बॉडी में आईफोन 14 प्रो का डिजाइन देकर लॉन्च करेगा तो बेस्ट रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।